स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एडुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चालू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन। तो रिलेशन जो है उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ये ऑर्डर पेयर क्या है? ए और बी मान लेते हैं दो एलिमेंट्स है, इसको अगर इससे क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट में अगर रखा जाए ऐसे हो, चाहे A1 3 हो, इस तरह लिखा हुआ रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के लिए कंडीशंस क्या है कि अगर कोई एलिमेंट्स हो, सपोज ए एंड बी है, तो उसका उल्टा मतलब बी और ए दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये एक ठो पेयर होगा तो ये एक ठो पेयर होगा, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी में तो दोनों सेम होता था, लेकिन इसमें नहीं है। ए बी जो होता है बी ए होगा तो वो एक अलग, वो भी एक ठो हिसाब होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशंस क्या है? अगर कहीं पे ए इज इक्वल टू ए बाई और सी डी अगर ऐसा हो तो तभी हो सकता है जब फर्स्ट वाला टर्म फर्स्ट टर्म के बराबर हो और सेकेंड वाला टर्म सेकेंड टर्म के बराबर हो। ओके, अच्छा अब चलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है इज डिफाइंड एज द ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ सेट ए एंड सेट बी। कोई दो गो सेट हो, अगर उस दो सेट्स में अगर हम लोग जितना सारा ऑर्डर पेयर निकालेंगे उस सभी ऑर्डर पेयर को ही बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है क्रॉस। अगर ए टू बी निकाल रहे हैं यानी क्या होगा? ए क्रॉस बी, इसको क्या पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी, इंटू का साइन है लेकिन पढ़ते क्या है? ए क्रॉस बी। इसका क्या डेफिनेशन है? एक्स कॉमा वाई, जिसमें क्या एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखना है जिसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, लेट ए वो सेट है मान लेते हैं 1 2 दो एलिमेंट है, बी एक तो सेट है मान लेते हैं ए बी सी 3 तो एलिमेंट है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेगा? इसमें से एक के साथ एक बार 1 लिख देंगे, वो एक के साथ एक बार बी लिख देंगे, एक के साथ एक बार सी लिख देंगे, इसका काम खत्म। फिर 2 के साथ लिख, 2 का ए 2 का बी 2 का सी, ये सब लिख देने को ही बोलते हैं ए क्रॉस बी चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? एक एलिमेंट लेकर सब लिख देना, इसके साथ सब लिख देना, हो जाएगा। तो फॉर्मूला कि किसी का भी अगर मान लो कोई एगो सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है सपोज, और दूसरे सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो एन क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी मतलब एम एन, इन दोनों का इंटू होता है। ठीक है, याद रहे। अच्छा नेक्स्ट रिलेशन, रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट, मतलब इसी में से ही कोई एक पार्ट होगा जिसको बोलते हैं रिलेशन। मतलब आर इज द सबसेट, ये पता है साइन होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए अगर एम हो, एन ऑफ बी अगर एन हो, मतलब ए सेट में अगर एम एलिमेंट हो, बी सेट में एन एलिमेंट हो, तो कितने को रिलेशन होता है? कैसे बनाएंगे? 2 to the power mn, ये फॉर्मूला है। ठीक, सिंबल क्या है? इसको आर से डिनोट करते हैं। अब देखो, देखते हैं कैसे। सपोज ए एक तो सेट है इसमें 1 2 3 4 है, अब बी एक सेट है इसमें 5 6 7 8 है। अब कैसे लिखते हैं? एक्स रिलेटेड टू वाई, क्या पढ़ते हैं? एक्स आर वाई मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई, जिसमें मान लेते हैं कंडीशन क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्या होना चाहिए? दो एलिमेंट मिलकर 8 होना चाहिए, वही सब लेना होगा। तो देखते हैं, एक एक में इसमें से क्या लेने से 8 आएगा, जोड़ के बता रहा है, क्या लेने से? एक के साथ 7 जोड़ने से यानी 8 आएगा। इन दोनों को लिख देंगे एक साथ। फिर दो के साथ देखें, दो के साथ कुछ हो रहा है, दो के साथ 6 जोड़ने से 8 आएगा, इसलिए इसको लिख दिए। फिर तीन के साथ देख रहे हैं 5, 8 आ रहा है। चार के साथ देखें कोई तो है ही नहीं यानी वो होगा ही नहीं, यानी इतना ही एलिमेंट जो है, इतना ही ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन में आएगा। समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट जो है, इस तरह से रिलेशन निकाला जाता है। क्लियर हुआ? जैसे दिया रहेगा कंडीशन उसी को देख देख के लगाना है। अब डोमेन, डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन है ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स किसी रिलेशन में, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा ना, तो फर्स्ट एलिमेंट्स को ही बोलते हैं क्या? मतलब डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। इसमें देखो, इसमें कौन सा है? 1 2 3 यानी हो गया डोमेन। फिर उसका रेंज क्या होगा? रेंज कैसे लिखते हैं? रेंज क्या है? रेंज सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड रेंज। जो दूसरा एलिमेंट है वो हो जाएगा रेंज। यहाँ देखो पता चल रहा है दूसरा एलिमेंट क्या है? 7 है, 6 है और 5 है। ठीक है, यानी किसी रिलेशन में जो दूसरा वाला एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं रेंज। अच्छा अब इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स मतलब किसी भी जो ऑर्डर पेयर को उल्टा करके लिख देने से ही हम लोग उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। जैसे वहाँ पे एक साथ था तो 7 1 लिख दिए, 2 6 था 6 2 लिख दिए, 5, इसको इन्वर्स करते हैं आर इन्वर्स 1 से। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहला क्या है? ए प्लस बी थ्री बी इक्वल टू इतना दिया हुआ, तो ए और बी का निकालना है। तो पता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट होगा, इसके साथ ये इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन लेना है। तो ले लिए, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ले लिए, 3 8 बी इक्वल टू
टू ले लिए, इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, सॉल्व में बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू एक क्वेश्चन वन में पुटिंग कर दिए तो आ गया ए का वैल्यू, ए और बी आ गया। ओके, दूसरा क्या दिया, ए बी सी दिया हुआ है, ए माइनस बी और बी माइनस सी निकालना है, ठीक है, क्रॉस में। सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लें, तुमको पता है ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ए में रहेगा, बी वाला जो है माइनस कर देना है, हटा देना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ए क्या था, ए में 1 2 3 4 था, बी में क्या 2 2 2 हटाना है, 2 हट गया, इसमें क्या 4, इसमें 4 है, हट गया, यानी क्या बचा, इसमें केवल 1 बचा, इसलिए ए माइनस बी क्या हो गया, 1 आया, दैट मीन्स ए माइनस बी 1। उस तरह बी माइनस बी, बी में रहेगा, सी में जितना हो सब काट देना है, कटनी सी में आएगी। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करना, क्रॉस का मतलब जानता है, इसके साथ इसको देखना, यानी 1 क्रॉस 4 एक ही तो एलिमेंट ही होगा, ठीक है, क्लियर। अब चलते तीसरा वाले, एन ऑफ ए 3 एन ऑफ बी है, तो एन क्रॉस ए क्रॉस बी तीन को निकालना है, इसका कैसे होगा, इसका मतलब हम जानते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए का ए एम, फिर इसका फिर एक ठो है, तो फिर एक ठो ए का, फिर 3, फिर इसका 4, बताए थे एन ऑफ ए क्रॉस बी ए बी होता था, 3 ठो है तो 3 ठो होगा, ठीक, इंटू कर 36 आ गई। ओके, चौथा क्या बोल रहा है, ए और बी सेट दिया हुआ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकाल, तो ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। दैट्स वाई हम पहले क्या किए, ए और बी था, ए क्रॉस बी निकाले, इसके साथ सब एक एक करके लिख दिए, A1 A2 सब लिख दिए, फिर बी का भी सब लिख दिए, फिर बी क्रॉस ए भी निकाले, बी के लिए बी अब पहले लिखेंगे, 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 2 के साथ इतना, 3 के साथ इतना लिख दिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कोई कॉमन है ही नहीं, नहीं लिखे। ओके, फिर 2 BX 2 का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या दिया, 2 सेट है, पहला सेट का एलिमेंट एम है और एन है, तो इसका जो है नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, रिलेशन कैसे निकालते हैं, पता ही है, एन ऑफ ए एम है, एन ऑफ बी एन है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या फॉर्मूला, 2 to the power mn, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, आर दिया हुआ रिलेशन है वाला, तो गिवन रिलेशन डोमेन आर निकालना है, आर पता ही तुमको क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सब होगा, फर्स्ट में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, देखो 3 4 5 6 कहाँ है, देखो ये वाला है, ठीक है, लिख देना है, क्लियर। अच्छा दूसरा देखो, आर दिया हुआ है सब, इसमें क्या होता है, रेंज निकाल, रेंज मतलब क्या, सेकंड एलिमेंट है, सेकंड क्या है, 9 12 8 ऐसे, 9 10 9 10 12 आएगा, ठीक है, 9 8 9 10 12, 8 9 10 12 कहाँ रहा, ये वाला है, ठीक है। अच्छा चौथा, आर रिलेटेड टू सेट है, जिसमें क्या एक्स रिलेटेड, y=3x, y=3x मतलब x का जगह बैठाएंगे तो उसका ट्रिपल जो होगा y आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, उसका 3 गुना होगा, ठीक है, दैट मीन्स अब इसको तुम सेट करो, तो ए क्रॉस ए में दोनों में ही लेना, इसी में, इसी सेट में ही लेना है, तो यहाँ में पहले मान लो इसका जगह 1 बैठा है, 1 बैठा है तो क्या, वाई का 3 3 है इसके अंदर, हाँ है, यानी 1 3 हो गया, फिर 2 बैठा के देखो, 2 तो है इसके अंदर, 2 बैठा 6, यानी वाई का 6 है इसके अंदर, हाँ, यानी ये भी होगा, 3 बैठा के देखो, 3 3 3 9 9 9 है इसके अंदर, हाँ हो जाएगा, 4 बैठा के देखो, 4 4 3 12 12 है, नहीं होगा, इसका मतलब इतना ही आएगा। ओके क्लियर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स व्हाई नॉन ऑफ दिस होगा, कोई ऑप्शन नहीं मिल खा रहा था। ओके, पांच नंबर, आज रिलेशन ए टू बी हो तो कौन सा होगा, तुम्हें पता ही आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ए टू बी दिया इसलिए ए क्रॉस बी होगा, अगर बी टू ए देता तब ये होता है, इसलिए क्योंकि ए टू बी देते हैं ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 6 नंबर, टोटल नंबर रिलेशन कितना, अगर ए को सेट दिया हुआ ए बी सी तो नंबर रिलेशन कितना होगा, तो पता है ए को सेट है, ए को सेट मतलब 2 को सेट लेना पड़ेगा, ए क्रॉस ए ही तो निकालना पड़ता है, यानी ए कितना, ए बी सी है, ये ए बी सी, यानी इसका 3 है, इसका भी 3 ही होगा, एन ऑफ ए क्रॉस ए क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, 3 3 9 हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 to the power 9 होता है, ये तो ऑर्डर पेयर निकला, नंबर रिलेशन क्या होता है, इतना 2 to the power 9 होता है। ओके, 7 नंबर क्या दिया हुआ है, इसमें जो फॉलोइंग टोटल नंबर रिलेशन, ये 2 सेट दिया, नंबर रिलेशन निकालने पड़े, ये आगे का तरह ही, इसमें निकाल नंबर ऑफ ए 3 ठो है तो 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी कितना, 2 ठो है, 2 लिख दिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाले कितना, 3 2 6 आ गया, अब नंबर रिलेशन क्या, 2 to the power 6 आ गया। ओके, 8 नंबर, एक रिलेशन दिया हुआ तो बता इसमें कौन सा सही है, कि देख लो, 3 related to R, तो 3 और 2 है, 3 2 है कहीं, ये बता रहा रिलेशन है, नहीं है, यानी बात गलत है, 4 not related to 1, 4 1 देखते हैं, नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। इस तरह करके सब तुमको चेक करना होगा, चेक करने के बाद तुम देखो, यहाँ देखो 2 related to 4, ये बोला 2 related to 4 होना चाहिए, है इसका मतलब, यानी ये तो सही होगा, ठीक है, दूसरा ये भी सही होगा, 1 related to 3, 1 related to 3 है, देखो तो 1 related to 1 नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब यही वाला होना चाहिए, 2 related to 4 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या बोल रहा है,
दूसरा वाला कौन सा होगा देख लेते हैं। दूसरा वाला ये देखो, वन लेटर टू फोर नहीं है, वन लेटर टू फोर है इसके अंदर नहीं है, यानी ये बात सही है। ओके तो ये था तुम लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलेंगे उसका क्वेश्चन बनाएंगे। ओके थैंक यू।